हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपके अपने सर जी, आपके अपने चैनल सर जी के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं शॉर्टकट कीज की मदद से। शॉर्टकट की फॉर पेस्ट स्पेशल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं जो कि मैंने एक फार्मूला के थ्रू लिखी हैं। ये आप फार्मूला देख सकते हैं, ये रैंडमली खुद बहुत ऑटोमेटिकली जनरेट हुई है। लेकिन मैं जैसे यहां पर कोई फार्मूला अप्लाई करता हूं, जैसे मैं अभी ऑल्ट इज इक्वल टू करूंगा, तो देखें सारी की सारी वैल्यूज पीछे चेंज हो रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि वैल्यूज चेंज ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल यूज करेंगे। तो वो कैसे होगा, अब ये देखें दोबारा से वैल्यूज चेंज होगी। हमने सारी की सारी वैल्यूज को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे कि इनको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, किसी एक सेल पर क्लिक करेंगे। अब अगर आप शॉर्टकट की चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आल्ट आल्ट प्रेस करें, उसके बाद ई वी एस, ये आपके साथ आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब आप इसमें से क्या सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे जस्ट वैल्यूज चाहिए तो मैं वैल्यूज पे क्लिक करूंगा और यहां से ओके कर दूंगा। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब आप इनको यहां से डिलीट कर दें। अब दोबारा से मैं आपको तरीका बताता हूं पेस्ट स्पेशल करने का। अब ये मैंने इनको कॉपी किया, अब यहां पर मैं क्लिक करूंगा दोबारा से शॉर्टकट की आल्ट ई एस वी, ये देखिए मेरे पास ओपन हो गया। अब आपने जस्ट वैल्यूज करना है और ओके करना है, तो ये वैल्यूज आपके पास यहां पर आ गई। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपने सीख लिया होगा कि कौन सी शॉर्टकट कीज हैं जिनकी मदद से हम एमएस एक्सेल के अंदर पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।